अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 233 पेपर बी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय टी क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 2 और इनटू डॉट डीटी आता है होल का जो है। अब सबसे पहले उसी तरह से हम लेट कर लेंगे इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय टी क्यूब ब्रैकेट शुरू करते हुए, ठीक है, और प्लस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 2 डॉट डीटी। देखिए हमें क्या करना है, सेपरेटली सबके ऊपर अलहदा से इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय टी क्यूब डॉट डीटी कर लें प्लस 1 डिवाइड बाय इंटीग्रल में 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर डॉट डीटी, ठीक है, और माइनस में इंटीग्रल 2 डॉट डीटी। अब अगला स्टेप तो आपको पता ही है कि ये वैल्यूज सारी की सारी बेस ऊपर चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर जाकर इस तरह से टी का आपकी पावर हो जाएगी माइनस में 3, ठीक है ना, डॉट डी टी, और प्लस इसी तरह ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल। मैं अगेन दोबारा लिखता हूँ इसको, इंटीग्रल आ जाएगा आपका और ये टी की पावर ऊपर जाके माइनस में 2 डॉट डी टी हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से टी 2 कॉन्स्टेंट शुरू में आ गया ना, अंदर वही रह जाएगा आपका 1 डॉट डी टी। और 1 डॉट डी टी को मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि ये विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल के। अब जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रल 1 डॉट डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा, तो इसी तरह से इंटीग्रल 1 डॉट डी टी होगा तो ये आपका हो जाएगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो हम तो ये यूज करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो टी है, तो इसी के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक हो गया। अब टी इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डी ओवर डी टी इंटू टी, वन होगा ना, इसी तरह डी ओवर डी टी इंटू टी वन हो जाएगा। तो आप इसमें पावर रूल सिंपल से इजीली लगा सकते हैं कि माइनस 3 में आपने प्लस 1 कर देना है, ठीक है। तो इसी पावर को आप डिवाइड में भी ले जाएंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ ये थोड़ी सा ताकि विजिबल हो जाए इस तरह से, और डिवाइड में यही पावर हमने लिखनी होती है। फिर प्लस किया, इसमें भी आप पावर में एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसी पावर को आपने नीचे डिवाइड करना है। फिर माइनस में 2 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी है तो टी आ जाएगा, और प्लस में आपका कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए सिंपल टी है ना, माइनस 3 और किया तो आपके पास माइनस में 2 होगा, ठीक है ना, माइनस 3 प्लस 1 ऐड तो मतलब करेंगे तो माइनस ही, बट बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस लगेगा। नीचे भी आपका आ जाएगा माइनस 2, फिर प्लस आ गया, इसका आपका हो जाएगा माइनस में 1, डिवाइड में भी आप देखेंगे माइनस 1 ही है, और माइनस 2 टी आ गया और प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और टी को किसी तरह से हमने पॉजिटिव बनाना है। तो आपको पता है कि टी की पावर ऊपर माइनस 2 है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी। माइनस के साइन को शुरू में ले जाएं, ये नीचे वाला माइनस 2 का जो है, और 1 डिवाइड बाय 2 और ये टी नीचे जाके स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह ये माइनस भी प्लस की जगह पे चला गया और 1 डिवाइड बाय वो टी नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, साथ ही माइनस में 2 टी भी आ जाएगा और प्लस में टी भी लग जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का जो है वो सिंपली आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा, आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।